देख तैयार है, चना मेवा चावल है, निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ। एक डोनर की तरफ से है, मदरसे में ख़त्म वगैरह करवाना है, घर में बीमारी है, फिर ये तकसीम करना है, तो हमारे साथ रहे। देख लेकर हम निकल गए अपने मंजिल की तरफ और ये हम पहुंच गए मदरसे में। यहाँ पर बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, माशाल्लाह सारे बच्चे जो है मुसाफिर बच्चे होते हैं, यहाँ पे दीनी तालीम हासिल करते हैं। बच्चों ने डोनर्स के लिए ख़त्म किया, तमाम बच्चों ने एक साथ दुआ की। आप देखने वालों से भी दरख्वास्त है कि हमारे इस डोनर को दुआओं में लाजम याद रखें कि अल्लाह पाक तमाम मुश्किलात ख़त्म करे। अब वक्त आ चुका है कि बच्चों के लिए खाना सेट किया जाए, तो देग उतार दिया है, हमारे लड़कों ने प्लेटें भरना शुरू कर दिए माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन चन्ना मेवा चावल देग है, ये बच्चे इंतज़ार में दस्तरखान पर बैठे हैं। हाँ जी, प्लेटें फुल हो गई, अब बच्चों को चावल खिलाते हैं। बच्चे काफ़ी खुश है क्योंकि चना मेवा चावल हर किसी का पसंदीदा खुराक होता है, बेहतरीन पुलाव होता है। तो यहाँ पर प्लेटें रखना शुरू कर दी हमारी टीम ने और बच्चों ने बिस्मिल्लाह कर दिया, अल्लाह पाक नसीब करे। अगर आपने अभी तक हमारा प्रोफाइल फॉलो नहीं किया तो लाजमी फॉलो करें। देखिए, इन तमाम सोशल मीडिया इस्तेमाल से ऐसे लोगों तक खाना पहुँच रहे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह करे कि इससे भी बड़े बड़े काम हम करें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अकाउंट फॉलो करना है, दोस्तों से भी फॉलो करवाना है, वीडियो शेयर करनी है, ताकि सोशल मीडिया का हम बेहतर इस्तेमाल करें। लोग नाच गानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम फलाही कामों के लिए करना चाहते हैं। अच्छे पेशावर किचन में रोजाना खाने तैयार होते हैं, डोनर्स की ताउन से सदके होते हैं, इस तरह खैरात वगैरह लोग करते हैं, तो वो फिर मुख्तलिफ मदारिस, इस तरह ऑर्फनेज, हॉस्पिटल या साइड एरियाज पे पहुँचते हैं। तो आज भी इस मदरसे में हम लेके आए हैं चावल चना मेवा का एक पूरा देग है। एक डोनर की तरफ से घर में कुछ बीमारियां थी, तो आप सबसे भी दरख्वास्त है कि दुआओं में लाजमी याद रखें। दूसरा ये है कि हमारे किचन को सपोर्ट करें, आप लोग जितना कर सकते हैं वहाँ पे चावल दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, एक एक चीज़ की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, अपने सदके खैरात वहाँ पे दे सकते हैं, जो सही तरीके से हमारी टीम जरूरतमंद मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएगी। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर जिंदगी ने वफा की तो दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।